अंतःकरण वाले आत्मा को उपाधि जिसके साथ जुड़ी हुई है, उस अंतःकरणावच्छिन्न आत्मा को ब्रह्म के साथ मिलाने में मदद करता है। ब्रह्म संलक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म जो है वो लक्ष्य है। अच्छा, वो कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर है। तो ऐसे देखो कि मन में जितनी भी वृत्तियां उठती हैं, वृत्ति के द्वारा जो ब्रह्म को देखने की कोशिश करते हैं उनको तकलीफ होती है। तकलीफ यही है कि वो वृत्ति से आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं। असल में वृत्ति में जो दो विभाग है, एक प्रवृत्ति और एक आलय। वृत्ति में दो विभाग है, वो माने इदम इदम वृत्ति और अहम अहम वृत्ति। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये घड़ा है, ये कपड़ा है। तो एक तो यह को पकड़ने वाली वृत्ति, ये प्रवृत्ति है, इसको प्रवृत्ति विज्ञान बोलते हैं। और अहम अहम के रूप में होने वाली जो वृत्ति है ना, अहम दुखी, अहम सुखी, नारायण, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम परिच्छिन्न, ये क्या है? बोले ये अहम जो है ये आलय विज्ञान है। इसको आलय क्यों कहते हैं? तो बिना अहम के इदम होता ही नहीं है। तो संपूर्ण इदम का आलय है अहम, लेकिन ये जो परिच्छिन्न अहम है ये अध्यस्त है, और इसमें जो अधिष्ठान रूप अहम है वो ब्रह्म है। माने अहम दो प्रकार का है, एक शुद्ध अहम और एक अशुद्ध अहम। तो सोपाधिक जो अहम है अशुद्ध अहम, वो तो है बाण, और जो शुद्ध अहम है ना, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य जो ब्रह्म है, वो है लक्ष्य। तो बाण उपाधि लक्षण जो आत्मा है वो बाण है, और निरुपाधि लक्षण जो ब्रह्म है वो लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेद्यम, तो सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया, अहम और इदम दोनों बौद्ध प्रत्यय हैं, और उनको जो साक्षी है नारायण, उनको जो मैं देख रहा हूं सहज स्वभाव से, इसमें वृत्ति को छोड़ दो, सहज स्वभाव से देखते हो। अब जिस समय तुम सुषुप्ति को देखते हो उस समय वृत्ति कहाँ होती है? ये जो लोग समझते हैं कि सुषुप्ति में तो कुछ नहीं रहता, तो गलत समझते हैं, क्योंकि सुषुप्ति का पता ही नहीं चलता। अगर सुषुप्ति में कुछ ना होता तो बिना वृत्ति के ज्ञान होता है, इसका नमूना है सुषुप्ति। वहां न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान प्रमाण है, न उपमान है, न शब्द है, न अर्थापत्ति है, न अनुपलब्धि है, न ऐतिह्य है, न संभव है, न चेष्टा है। सुषुप्ति में कुछ नहीं है, उसको हमने कैसे देखा? तो बिना वृत्ति के देखा। तो जैसे बिना वृत्ति के हमने सुषुप्ति देखी, इसी प्रकार बिना वृत्ति के जो जागृत को देख रहा है, बिना वृत्ति के जो स्वप्न को देख रहा है, वो दृष्टा, वो साक्षी, वो अपना स्वरूप है, वो मैं ही हूं। तो सहज स्वभाव से मैं देख ही रहा हूं। तो ये जो संपूर्ण बौद्ध प्रत्ययों का साक्षी है, ये असल में परब्रह्म ही है। तो श्रुति जो है इसको आत्मभाव से ही लक्षित कराती है। तो इसमें प्रमाद का परित्याग किया, अप्रमत्तेन वेद्यम, का बाह्य विषय की उपलब्धि, बाह्य विषय की तृष्णा, यही प्रमाद है। बाहर के विषयों को चाहना, असल में अहम के रूप में जैसे हम इंद्रियों के द्वारा विषय का भोग करना चाहते हैं, इसी प्रकार अपनी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म के भोग की जो इच्छा है वही इसमें प्रमाद है। अरे तुम खुद ही हो,
तुम खुद ही हो तो पाना किसको चाहते हो? ब्रह्म को पाना क्या है? पाने की इच्छा का त्याग, यही ब्रह्म का पाना है। ब्रह्म का ज्ञान क्या है? ब्रह्म की जिज्ञासा का त्याग। ब्रह्म का ध्यान क्या है? ब्रह्म के ध्यान का त्याग। अचिंतनम चिंतनम, अचिंतन ही चिंतन है। विक्षेप हो तो देखने वाला कौन, कहम का समाधि हो तो देखने वाला कौन, कहम। जैसे हम बिना वृत्ति के सुषुप्ति को देखते हैं, वही देखने वाला मैं बिना वृत्ति के स्वप्न को, जागृत को देख रहा हूँ, पापी पने को, पुण्यात्मा पने को देख रहा हूँ, सुखी पने को, दुखी पने को देख रहा हूँ, और बिना वृत्ति के देख रहा हूँ। जैसे बिना वृत्ति के सुषुप्ति में मैंने सुषुप्ति को देखा, समाधि में मैंने समाधि को देखा, वैसे ही मैं संपूर्ण बौद्ध वृत्तियों का साक्षी हूँ। तो इस प्रकार व्यवहार में विरक्त जितेंद्रिय रहें और ध्यान के समय चित्त को एकाग्र करें और ब्रह्म के भोग की तृष्णा न होवे। सर्वतन्मयो भवे। देहात्म प्रत्यय का तिरस्कार करके, देहात्म प्रत्यय माने अपने को परिच्छिन्न मानना रूप जो देहात्म प्रत्यय है उसका तिरस्कार करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो गए, कहिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपाय है, साधन है। जस्मिन् द्यौः पृथिवी चांतरिक्षम् ऊतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानतो आत्मानम् अन्यावासो विमुञ्चतो अमृतस्यैष सेतुः। ये द्यौः, द्यौ माने जो तारे, ग्रह, नक्षत्र चमकते हैं ना, जिसमें इसको द्यौ कहते हैं। ये अंतरिक्ष है द्यौ, ये द्यौ है, द्यूलोक है। और पृथ्वी, ये पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं और जिसमें ये ध्रुव, सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योति चमकती हैं, ये द्यूलोक है। और दोनों के बीच में जो स्थान है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं, जिसमें चिड़िया उड़ती है, जिसमें हवाई जहाज उड़ता है, वो अंतरिक्ष है। और मन और सारी इंद्रियां, ये सब जिसमें ओतप्रोत है, ओतप्रोत, ओतप्रोत का अर्थ आप ऐसे समझो जैसे ताना बाना होता है ना, हिंदी में शब्द चलता है ताना बाना, इसको संस्कृत में बोलते हैं ओतप्रोत। ओतप्रोत का अर्थ यह है कि जैसे ये कपड़ा है, तो आपने कभी कपड़ा बनते देखा हो तो एक आड़ा सूत होता है और एक लंबा सूत होता है, और दोनों को ऐसे ढंग से बैठा देते हैं कि कपड़ा बन जाता है। ये जो वस्त्र है ये सूत्र का विन्यास विशेष है, माने एक खास ढंग से सूतों को आपस में बैठा देना, इसका नाम कपड़ा। सूत के सिवाय कपड़ा नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर कोई कहे कि सूत के सिवाय कपड़ा कुछ है तो उससे कहो कि सूत हमारा वापस करो, तुम कपड़ा ले जाओ। नहीं, ये आपने सुना होगा, एक राजा के यहाँ बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ हो, वेदांति था राजा, उसने बौद्धों को आमंत्रित कर लिया, बड़े बड़े पूर्व मीमांसकों को आमंत्रित किया, नैयायिकों को आमंत्रित किया, सांख्यों को आमंत्रित किया। बोले शास्त्रार्थ हो, तो किस विषय पर शास्त्रार्थ हो? कि ख्याति पर शास्त्रार्थ हो। ये वेदांत का एक विषय है ख्याति। ख्याति माने जाहिर होना, जो चीज जहां नहीं है वहां अगर वो जाहिर हो गए तो कैसे होती है? जैसे रस्सी में सांप, सीप में चांदी, ये कैसी जाहिर होती है? सीप में तो चांदी है नहीं, जाहिर कैसे होती है? तो एक कहता है कि दूसरी जगह जो चांदी देखी हुई है उसका संस्कार दिल में है, इसलिए सीप में चांदी दिखती है। एक कहता है कि नहीं, चांदी वहां मौजूद है, सत्याती है। एक कहता असत्याती है,
एक कहता अन्यथा ख्याति है, एक कहता अनिर्वचनीय ख्याति है। बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ कि सीप में चांदी दिखती है वो क्या है। तो भला बताओ महात्माओं को इससे क्या मतलब, सीप में चाहे जैसे चांदी निक दिखाए। तो नहीं, वो समझना है, ये बात समझनी है कि जो चीज जहां नहीं होती है वहां अगर वो चीज दिखाई पड़ती है तो कैसे दिखाई पड़ती है ना। सत ख्याति है, असत ख्याति है, सत सत ख्याति है, आत्म ख्याति है, अन्यथा ख्याति है, अनिर्वचनीय ख्याति है। अपने अभाव के अधिकरण में यदि कोई वस्तु भासती है, हैं? तो वो कैसे भासती है, एक विचार है। वो जैसे रज्जू जो है ना, रज्जू रस्सी, वो सर्प के अभाव का अधिकरण है, माने सांप उसमें बिल्कुल नहीं है और उसी में सांप दिखता है, तो क्यों दिखता है, ये ख्याति कैसे हुई, इस पर हुआ शास्त्रार्थ। अब महाराज शास्त्रार्थ में सामने वाले पंडित ने सिद्ध कर दिया कि सीप में चांदी होती है इसलिए भासती है, और वेदांती जी हार गए, अनिर्वचनीय ख्याति जो है, और शास्त्रार्थ तो बड़ा भयंकर होता है, वेदांती जी हार गए। अब राजा के सामने ये सवाल गया कि अब तो वेदांत की नाक कटी है ना, हार जाता है आदमी तो नाक कटती है, ये नहीं समझना कि सचमुच कटती है वो। हाँ, ये बिल्कुल जहत लक्षणा है बोला नारायण। जैसे नाक कटने से आदमी की श्रेष्ठता जो है ना वो कट जाती है, वैसे शास्त्रार्थ में हार जाने की जो अपने पांडित्य की श्रेष्ठता है वो कट जाती है। तो जहत लक्षणा से है ना ये बात कही जाती है। अब कट गई नाक तो राजा ने कहा नहीं देखो हम फिर जोड़ते हैं। उसने फैसला दिया कि सीप में चांदी को सच करने वाले पंडित जी जीत गए हैं, इसलिए हम उनको पुरस्कार देते हैं कि हमारे राज्य में जितनी सीप है उसमें से वो चांदी निकाल के ले जाएं, है ना। अब क्या मिलेगा उनको, ठन ठन पाल, कुछ नहीं मिलेगा है। तो जैसे देखो एक सामने से स्त्री आती है और गिरुआ कपड़ा पहनती है। अब हम मोटर में चलते हैं तो दूर से मालूम होता है कि कोई सन्यासी महात्मा जो हैं, है ना, वो चले आ रहे हैं और बड़े ध्यानी मालूम पड़ते हैं, कहीं इनका सिर ऊंचा है। अब पास जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि तो महिला है कोई, है ना। तो ये जो महिला में सन्यासी का भ्रम हुआ है, वो महिला में सन्यासी पहले से मौजूद है ना, इसलिए दिख गया कि हमारी स्मृति में जो है उसके कारण दिख गया कि कुछ सादृश्य है उसमें, इसके कारण दिख गया है। इसको ख्याति बोलते हैं, हो क्या ख्याति। तो जब ये विचार हम करते हैं कि इस प्रपंच में, ये प्रपंच जो है ये परमात्मा में कैसे जाहिर हुआ, प्रपंच के अत्यंता भाव का जो अधिकरण है परमात्मा। अब आप देखो विचार करो, अपरिच्छिन्न है एक और परिच्छिन्न है दूसरा। जैसे हमारे ये जब रोशनी में कभी कभी छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं ना, तो ये कण कहां होते हैं, आकाश में होते हैं। रोशनी में, रोशनी से दिखते हैं, आकाश में दिखते हैं, और खिड़की में छोटे छोटे धूलिकण दिखाई पड़ते हैं। तो धूलिकण का प्रकाशक कौन है, का प्रकाश, और उसका अधिष्ठान कौन है, का आकाश। तो धूलिकण के अत्यंता भाव के अधिष्ठान में, माने अपरिच्छिन्न आकाश में जो परिच्छिन्न धूलिकण दिखते हैं वो है क्या असल में। ओ नारायण कहो, वो धूली कण तो मिट्टी में ही नहीं है, पानी में ही नहीं है, उष्णता में ही नहीं है, वायु में ही नहीं है, तो आकाश में कहां से होंगे। इसलिए देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न परमात्मा में
ये जो परिच्छिन्न पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं ये आखिर परमात्मा में हैं क्या? का परमात्मा के सिवा ये कुछ नहीं है भाई, है ना? तो ओतम प्रोत का अर्थ आप देखो, ओतम का अर्थ ये है जैसे सूत से जुदा कपड़ा नहीं है, जैसे आकाश से जुदा नीलिमा नहीं है, इसी प्रकार ये अपने अभाव के अधिष्ठान से, अपने अभाव के अधिकरण से जुदा बिल्कुल नहीं। हमारे मिथ्या की परिभाषा यही है हो, आपको सीधा सीधा बताते हैं, स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव की अधिकरण में भासना मिथ्या होना है। तो परिच्छिन्न जो है वो कहां भास रहा है, परिच्छिन्न में कि अपरिच्छिन्न में? मारो गोली, है ना, ये बम गोला इसको बोलते हैं। गुण कहां भास रहा है, सगुण में कि निर्गुण में? आकार कहां भास रहा है, साकार में कि निराकार में? तो ये गोली है, पंचदशी में इसको बोलते हैं कि यदि आकार आकार में भास रहा है तो पहले आकार में और दूसरे आकार में क्या फर्क है? यदि फर्क नहीं है तो आत्माश्रय दोष हुआ, स्वयं आश्रय और स्वयं आश्रित, और यदि ये आकार उसके आश्रित और वो आकार इसके आश्रित तो अन्योन्याश्रय दोष हुआ, और यदि तीन आकार हैं तो चक्र का पति दोष हुआ, और यदि चार या उससे ज्यादा आकार हैं तो अनवस्था दोष हुआ है। तो यदि कहो कि निराकार में, निराकार में आकार है नर है, निर्गुण में सगुण है, निराकार में आकार है, ऐसा यदि बोलो, निर्विशेष में सविशेष है, निर्धर्मक में सधर्मक है, तो बदतो व्याघात हुआ, इसका नाम बदतो व्याघात दोष हुआ कि मम मुखे जिब्बा नास्ते, मेरे मुंह में जीव नहीं है, क्या गौरव के साथ बोल रहे हैं। तो वो सब क्रोध का अर्थ है कि जैसे ताना बाना से जुदा कपड़ा नहीं है, इसी प्रकार परब्रह्म से जुदा न द्यूलोक है, न पृथ्वी है, न अंतरिक्ष है, न मन है, और न तो ये सब की सब इंद्रियां हैं, न प्राण है, क्योंकि ये सब के सब अपने अभाव के अधिकरण में, जिस अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्न नाम की वस्तु बिल्कुल नहीं है, उसमें ये भास रही है। नारायण प्रसाद प्राणिश्च सर्वैः, बोले तमेवैकं जानथो आत्मानम्, उस एक को जानो। श्रुति भगवती बड़ी कृपा करके कहती हैं, आप लोग अनेक को जानते हैं तो एक को नहीं जान। देखो व्यवहार है ना, ये बड़ा विचित्र है हो, हमने देखा ये स्त्रियां श्रृंगार करती हैं ना, तो जिस रंग की साड़ी पहन के निकलती हैं उसी रंग की चूड़ी पहन के निकलती हैं, है ना? दिन भर में जितनी साड़ी बदलती हैं उतनी बार चूड़ी भी बदलते हैं वो। एक के घर में लड़ाई हुई किस बात पर, भले लोगों के घर की बात आती है, हाँ, सिनेमा जाने के लिए दोनों पति पत्नी तैयार हो गए, है ना? और उस दिन ये तय हुआ कि श्रीमती जी हरी पोशाक पहनेंगी, हरी, तो हरी पोशाक श्रीमती जी ने पहनी, लेकिन जब जूता पहनने के लिए निकली तो हरी रंग की जूती नहीं, सो बैठ गई कुर्सी पर, बोली अब मैं सिनेमा नहीं जाती। क्यों? कब? बोले हमारी जूती जो है ना वो पोशाक से मैच नहीं करती, है ना? तो नारायण ये भेद दृष्टि क्या है? चूड़ी सब कांच की होती है इस बात को नहीं समझते हैं, कि जूती सब चाम की होती है ये बात नहीं समझते हैं, कब वो डिजाइन देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी, सकल सूरत कैसी, है ना? देहात की औरत हो महाराज तो वो ज्यादा पैसे की कीमत, सोना खूब ज्यादा हो तो हाथ में पहन ले, है ना? तो उसको तो वजन से मतलब है, उसको वो सोने की डिजाइन से कोई मतलब नहीं, वो तो दिखावेगी कि देखो हमारे पास इतना सोना है। देहाती औरत हो तो सोना देखेगी,
और महाराज शहरी औरत हो तो सोना भले नकली हो लेकिन डिजाइन बहुत बढ़िया चाहिए। तो ये नाम रूप का जो प्रेम है ना, ये सहराती प्रेम है हो, और तत्व का प्रेम जो है वो ठोस देहाती प्रेम है ना। बाबा हमारा पेट भरने से मतलब, एक एक आपको सुनाए है ना, एक तीन मित्र से, तीन मित्र तो खीर बनाए उन्होंने। तो ये हुआ कि भाई खीर आज एक आदमी खाए है ना, फिर दूसरे दिन बनावेंगे तो दूसरा कोई, तीसरे दिन तो तीसरा कोई, बढ़िया खीर बनी है बहुत बढ़िया। तो एक आदमी भर पेट खा ले, तो बोले कैसे कौन खाए, तो बोले आओ सो जाएं, जिसको सबसे बढ़िया सपना आवेगा सो आज की खीर खाएगा। तो तीनों सो गए हो है ना। अब सो के उठे महाराज, तो एक से पूछा कि क्या सपना देखा, बोले बहुत बढ़िया सपना देखा, मैं तो सपने में आज बादशाह हो गया, और हमारी ऐसी बीवी थी और ऐसा बेटा था और ऐसी देना थी, आज मैं बादशाह हो गया, बड़ा भारी सपना। तो दूसरे ने कहा कि हमने तो इससे भी बढ़िया सपना देखा है, मैं तो सपने में बैकुंठ चला गया है ना, और नारायण ने उठ करके हमारा स्वागत किया, और लक्ष्मी ने हमारी आरती उतारी, और सिंहासन पर बैठे, हमारा सरीखा सपना भला किसको कौन आवेगा, हम खीर खाएंगे। तीसरा रोने लगा, बोले कि भाई आप लोगों को सपना तो बहुत बढ़िया बढ़िया आया, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ थोड़ी सी मजबूरी आ गई हमारे सामने। क्या आई, मैं जब सोया तो एक राक्षस प्रकट हुआ हो, बड़ा भारी हथियार लेके, और बोला कि उठो नहीं तो मारूंगा। तो मैं डर के उठ गया, फिर कहा जहां खीर रखी है वहां चलो है ना। तो मैं डर के वहां गया, उसने कहा कि सब चाट के खा जाओ है ना, नहीं तो मैं मार डालूंगा। तो मैं तो खीर खा गया है ना, और यहाँ आके सो गया। तो सपना तो तुम लोगों को बढ़िया बढ़िया आया, लेकिन खीर तो मैंने खाई है। और वो तो जगने के पहले ही खीर खा ली है ना। तो ये दुनिया भर की जो बात है ना नारायण, डिजाइन तो शहर की औरतें जानती हैं बोला, लेकिन खीर खाना तो गांव वालों को आता है बोला, शेर दो शेर खा जाए हो। तो ये अनेक को जानना जो है ये कोई चतुराई नहीं है, चींटी भी जानती है कि अनेक क्या होता है बड़ा, चिड़िया जानती है कि अनेक क्या होता है, पशु जानता है कि अनेक क्या होता है, भेद को तो चींटी भी जानती है, खटमल भी डरता है कि ये हमको दबा न दे मर न जाऊं मैं, मच्छर भी जानता है कि हमको मैं मर न जाऊं है ना। तो अनेकता का ज्ञान तो मच्छर को भी है, चिड़िया को भी है, पशु को भी है, आदमी को भी है ना। यदि तुमको अनेकता का ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, जो उस अनेकता में एकता है उसको तो जानो है ना, उसको जाने बिना है ना सपना ही सपना रह जाएगा, खीर खाने को नहीं मिलेगी। तमेव एकम जानथ आत्मानम, उस एक को जानो, एक को। ये एक जो है ये मोक्ष रूप है हो, एक में भय नहीं है, भय दो में है, भय तीन में है, भय चार में है, एकता में भय नहीं है बोला। एक उसको कहते हैं कि जिसके बिना दो न बने, एक उसको कहते हैं जिसके बिना तीन न बने, एक उसको कहते हैं जिसके बिना कोई गिनती ही न बने है ना। एक जब बढ़ता जाता है ना, एक और एक दो, एक 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 तीन, एक 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 चार, एक में ही गुणित होने से, एक में ही गुणित होने से और संख्या बनती है ना। ये सगुण एक, ईश्वर का सगुण एक रूप है वो, लेकिन बोले तब तो एक होगा और हम लोग अनेक हैं। बोले नहीं, आत्मानम जानथो, जब तुम अपने को उस एक के रूप में जानोगे तब वो निर्गुण हो जाएगा। मेरा आत्मा एक, तेरा आत्मा एक, उसका आत्मा एक है, तो एक एक बहुत तो नहीं होते हैं ना, एक एक एक
बराबर एक वाला ये अद्वितीय आत्माएं हो, ये गिनती वाला गुण वाला आत्मा नहीं, संख्या वाला आत्मा नहीं, ये अद्वितीय निर्गुण आत्मा है, इसको जानो। आत्मानम प्रत्यक्ष चैतन्या भिन्नम तम एकम एव जानत। अब देखो इसमें तमेव आत्मानम, देखो जरा इस मंत्र के अक्षर पर ध्यान दो, तमेव जानत उसी को जानो, उसके जाने बिना मुक्ति नहीं है। बोले तम आत्मानम एव जानत, वो हमारा आत्मा है ऐसे ही जानो। तम जानत एव जानत, जानीत शुद्ध व्याकरण की रीति से ये जानीत होता है, उसको जानो ही जानो, है ना। उसके जाने बिना कल्याण नहीं है, उसके सिवाय और कोई नहीं है, वो बिल्कुल एक है, माने संपूर्ण प्रपंच उसमें नहीं है और वो अपना आत्मा ही है, इस प्रकार से जानो। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें मंत्र में कही जा रही, अन्या बाचो विमुंचथ अमृतस्यैष सेतुः, अन्या वाचो विमुंचथ, उस आत्मा को जानो और दूसरी बात छोड़ दो। अन्या वाचो विमुंचथ, इसका अर्थ है कि वेद में भी एक आत्मा का प्रतिपादन करने वाला जो वचन है उसके सिवाय और वचनों का परित्याग कर दो। वेद संन्यास इसका अर्थ है, वेद संन्यास, इसको वेद संन्यास बोलते हैं। माने अपरा विद्या में हे जिज्ञासु, तुम अपरा विद्या में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद लक्षणा, जो अपरा विद्या है, जो आत्मा को कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न संसारी बताने वाली है, जो स्वर्ग नरक में बताने ले जाने वाली है, जो गति आगति बताने वाली है, जो कर्म कांड बताने वाली है, उसको साधन सहित फल सहित क्रिया कारक साथ फल सहित उस वचन का परित्याग कर दो। वेद संन्यास, वेद संन्यास का अर्थ हुआ कि जब अपरा विद्या छूटेगी तो वेदी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, कुशकंडिका करने की जरूरत नहीं, आग जलाने की जरूरत नहीं, साकल्य की जरूरत नहीं, तब चोटी जनेऊ की भी जरूरत नहीं, है ना। माने ये मंत्र जो है वो कहता है कि अब तुम्हें संहिता की संहिता याद करने की जरूरत नहीं, वो तो ब्राह्मण, ब्राह्मण जब तक है ना, स्वाध्यायोध्येतव्य, इस विधि के अनुसार जो वेदाध्ययन करता है उसके लिए वो है। और तद विजिज्ञासस्व परम ब्रह्म, ब्रह्म की जिज्ञासा करो तो उसमें अन्य वाणी के अध्ययन की जरूरत नहीं है। अरे अमृतस्य एष सेतु, ये क्या है, ये जो आत्मज्ञान है ना, माने अन्या बाचो विमुंचत परित्यजत, ये जो बात कही ना, अन्या बाचो अपर विद्या रूप जो दूसरी वाणियां हैं उनको विमुंचत विमुंचत परित्यजत, उसको छोड़ दो। तत्प्रकाशेंच सर्वम कर्म ससाधनम, और उस अपर विद्या से जितने कर्म का वर्णन है उसका साधन सहित परित्याग कर दो। क्यों, बोले ये आत्मज्ञान जो है ना वो अमृत का सेतु है। तो सेतु का तो अर्थ होता है वैसे विधरण, इस सेतु विधरण श्रुति आती है, मर्यादा हो, लेकिन यहां सेतु का अर्थ है ये अमृतत्व, माने जो मोक्ष है उसके प्राप्ति के लिए ये पुल है। वहां है सेतु का अर्थ मेड़, एक खेत और दूसरा खेत दोनों के बीच में जो मेड़ है उसको सेतु बोलते हैं। इस सेतु विधरा मर्यादा है,
और यहाँ सेतु शब्द का अर्थ है इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए ये पुल है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में तीन अन्य पंथा विद्यते अनायो, यही आत्मज्ञान है। ये अगर मिल जाए तो अमृतम नास्ति मृतम जस्मात, मरना नहीं बना। जिसका मरना नहीं होता उसका जन्मना भी नहीं होता, और जिसका जन्मना नहीं होता उसका मरना भी नहीं होता। तो जन्मना मरना तुम्हारा होता है और तुम छूट जाओगे ऐसी बात नहीं है बोला। इस बात को महात्मा लोग जानते हैं, वो अपरा विद्या का विषय है, उसका अभिप्राय दूसरा है। यदि उसको समझना हो ना कि आदमी कैसे मरता है और उसका प्राण शरीर जो है वो शरीर में से कैसा निकलता है ना, और कैसे ऊपर जाता है, कितने दिन रुकता है ना, कितना समय लगता है। हिंदी में इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ बाबा नगीना सिंह का वेदानुवचन है। वेदानुवचन में बहुत बढ़िया इसका निरूपण है। हिंदी भाषा में वैसा दूसरा ग्रंथ अभी तक लिखा ही नहीं गया। हाँ, वेदानुवचन उसका नाम है। और उसी में यदि उन्हीं का वेदांत तरह से समझना हो ना, तो भगवत ज्ञान के विचित्र रहस्य है ना, उन्हीं का ये जो ग्रंथ है बाबा नगीना सिंह का है ना, वो भी अद्भुत ग्रंथ है। हिंदी भाषा में हो भगवत ज्ञान के विचित्र रहस्य उसका नाम है। छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं है। तो ये अमृतत्व जो है ना, अमृतस्य तो हो अरा इव रथनाभ संहता यत्र नाद्यः सोयेशोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायतो आत्मानं स्वस्ति वः पारायो तमसः परस्तात्। जैसे अब ध्यान करने की बताते हैं। और माने ये जो साधन बताते हैं ना, वो एक के बाद दूसरे को जो बताते हैं, पहले ये बताया कि संपूर्ण विश्व सृष्टि उसी वरिष्ठ तत्व में है, आभिसन्निहितम गुहाचरम नाम, तत्पदार्थ का निरूपण किया। और फिर उसके बाद त्वम पदार्थ के रूप में निरूपण किया जबर चिबर। और फिर उसी के लिए प्रणव के अनुसंधान का निरूपण किया। और फिर बताया कि यदि दोनों को एक के रूप में जान लो तो वाणी के अपव्यय की जरूरत नहीं है। ये बताते हैं शास्त्र में, ये बताते हैं कि भीतर आओ, भीतर वाचम जच्छो मनोजच्छो, वाणी को छोड़ो, रोक दो वाणी को, और मन को रोक दो, सारी इंद्रियों को रोक दो। ऐसे यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांतात्मनि। ये कठोपनिषद में ये प्रक्रिया बताई। अब कहते हैं कि अच्छा इस शरीर को ही रहने दो भाई, ये शरीर का निषेध करके परमात्मा का ध्यान करना, चिंतन करना, अनुभव करना देहाभिमानी के लिए बड़ा कठिन पड़ता है। तो बोले फिर कैसे ध्यान करें? कब भला हो तुम्हारा कल्याण। बड़ी करुणा करके गुरुदेव बोले कि वस्ति तुम लोगों का कल्याण हो। देखो जैसे एक रथ के बीच में नाभि होती है, जो पहिया होता है ना, पहिया का बिल्कुल बीचों बीच हिस्सा, और उसमें चारों ओर अरे जैसे लगे रहते हैं है ना। कोई 16 अरे का पहिया होता है, कोई 18 अरे का पहिया होता है, कोई 100 अरे का होता है, और पुराने जमाने में हजार हजार अरे के भी पहिये होते थे, ऐसा वेदों में वर्णन मिलता है। सहस्रार होता था वो, सहस्रार ये नारायण भगवान के हाथ में जो चक्र है ना,
वो सहस्रार है, और इंद्र का जो वज्र है वो सतार है, वो सतार है, सौ अरे हैं उसमें। तो नारायण के हाथ में जो चक्र है वो षोडशार है। ये काल को ही चक्र बोलते हैं, काल को बोलते हैं पहिया, और उसमें जो अरे हैं वो उसके अवयव हैं, है ना। तो षोडशार, द्वादशार, सतार, सहस्रार, जैसे रथ के पहिए में अरे लगे होते हैं, ऐसे अब जरा आप हृदय की तरफ चलो। हृदय जो है वो गोलाकार है, हो ऐसा। अब उसमें नाड़ियां जो हैं वो अरे की तरह लगी हुई हैं, संहता यत्र नाड्या, और बीच में जिसमें धुर्रा लगता है ना, वो गोल गोल जैसे हो वैसे कमलाकार हृदय, उसमें महाराज अंतश्चरते बहुधा जायमाना। उसमें ये भगवान जो है परमात्मा आत्मा, ये तरह तरह से अवतार लेता रहता है उसी में, अंतश्चरते उसमें व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है कि बहुधा जायमाना, क्या हृदय में व्यवहार कर रहा है कि पश्यन् श्रृण्वन् मनमानो बिजानन। कभी कहता है आहा ये कितना सुंदर है, क्या देखा बढ़िया, क्या। कभी कहता है क्या आवाज बढ़िया सुनी, बोले ये हमारे मन में कैसा बढ़िया संकल्प उठा, अरे हमको तो पर्दे ही हट गया, बिल्कुल जान गए। ये जो हृदय के भीतर बैठ करके नाड़ियां जहां जहां करके सारी मिलती हैं, और वहां बैठ करके ये महाराज मनोराज्य करते रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, कभी गुस्सा आया आप लोगों को नारायण, कभी मालूम हो कि नहीं, हमारे एक मित्र हैं, तो एक दिन वो अकेले कमरे में बैठे हुए थे, रात का समय, रोशनी हो रही थी, बिजली की रोशनी थी, मैं कहीं बाहर गया था, आ गया, आया तो बाहर से दृष्टि पड़ी कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो शीशे के सामने बैठे थे, बोला तो कभी ऐसे हाथ बनावे, कभी ऐसे बनावे, है ना, कभी ऐसी आंख टेढ़ी करें, कभी ऐसे करें, कभी जैसे खूब गुस्से में है ऐसे हो जाए, है ना, कभी खूब मुस्कुराए और जैसे प्रेम करें ऐसे हो जाए। दूसरा कोई वहां था नहीं, तो मैंने का पूछा उनसे, मित्र से, ये क्या कर रहे हो शीशे के सामने बैठकर बिजली की रोशनी में, है ना, ये क्या कर रहे हो, बोले खेल रहा हूं, है ना। तो मैंने कहा यहां दूसरा तो कोई है नहीं, कहा अपने आप से ही खेल रहा हूं, अपनी परछाई से खेल रहा हूं। तो जिसको अपने आप से खेलना आ जाता है ना, वो जल्दी नहीं होता हो। अब देखो ये स्त्रियां जो है ना, ये एटिकेट सीखने के लिए जब अपने शिक्षणालय में जाती हैं, है ना, हमको अभी कल ही परसों किसी ने बताया, एक पुरुष के घर में गए थे, पुरुष ने बताया हो कि एटिकेट सीखने के लिए लड़कियां जाती हैं, तो उनको बताया कि हंस मुस्कुराने के समय दो ही दांत दिखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं दिखने चाहिए, और होठ कितना टेढ़ा होना चाहिए, है ना, और आवाज बोलने में कब गुस्सा आवे तब कितनी ऊंची होनी चाहिए, और प्रेम में कितनी ऊंची आवाज में धीरे धीरे बोलना चाहिए, ये सब एटिकेट उनको सिखाया जाता है। अच्छा, तो मैंने ये बात सुनी, अब उसी समय ख्याल आया कि अब वो जब घर में अकेले बैठती होंगी ना शीशे के सामने, हैं, तब अपना होठ रिहर्सल करती होंगी कि नहीं, उसका रियाज करती होंगी, है ना, रियाज करती होंगी, रिहर्सल करती होंगी, होठ कैसा, दांत कैसा, आवाज बोल करके सुनती होंगी कि हमारे कान में कितनी लगती है, है ना, जैसे सितार बजाने वाले अभ्यास करते हैं रोज, ऐसे वो अपना होठ बजा के अपनी आवाज का भी तो अभ्यास करती होंगी ना, जैसे नाटक में करने वाले। तो ये जो आत्मदेवता हैं नारायण, ये आत्मदेवता है ना, ये सात चार दीवारी के भीतर बैठे हुए हैं, सात जो धातुएं हैं ना, सात धातुओं की चार दीवारी, और पांच कोष के भीतर बैठे हुए, और तीन अवस्था के भीतर बैठे हुए, और क्या करते हैं महाराज वहां, है ना, कब बहुधा जायमानहा, कभी गुस्से में आ जाते हैं, भीतर आया क्रोध, कहते मैं गुस्सा हूं, और फिर वही कहते हैं कि मैं कामी हूं, कब मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, है ना,
मैं शांत हूँ, मैं दांत हूँ, मैं उपरत हूँ, मैं तितिक्षु हूँ, ये वहीं बैठ करके ये सब खेल करते रहते हैं। ये क्या है कि बहुधा जायमाना है ना, ये अंतः अंतर रूप हृदय रथ की नाभि में जहाँ सब नाड़ियां जा करके मिलती हैं, यही अकेले बैठ करके देखते हैं कि देखो इतनी देर तक मैं देख रहा था, आप सुन रहा था आप देखो विचार कर रहा हूँ, तो कभी हर्ष कभी क्रोध इन प्रत्ययों से जायमान इव जायमान जो संकल्प पैदा होता है उस संकल्प के शीशे में अपनी परछाई देखते हैं और अंतकरण की उपाधि का अनुविधान करते हैं। आपने वो सुना होगा श्रीमद् भागवत में, कभी कथा सुनी होगी पुरंजन और पुरंजनी। पुरंजन माने सूक्ष्म शरीर को बनाने बिगाड़ शरीर को बनाने वाले पुरंजन, पुरम जनयति जो ये देह को पैदा करते हैं जीवात्मा को पुरंजन बोलते हैं, और पुरंजनी उनके साथ बुद्धि है। तो जब वो पुरंजनी हंसती थी तब पुरंजन भी हंसते थे, खुद नहीं हंसते, उनको हंसी नहीं आती थी, लेकिन पुरंजनी हंसे तो हंसे और वो नाचे तो नाचे और वो गावे तो गावे और वो मतवाली हो जाए तो खुद भी मतवाले हो जाए, क्योंकि पुरंजन ने अपने को पुरंजनी के साथ बिल्कुल मिला दिया था। तो ये जो आत्मदेव है ना, ये अपने को बौद्ध प्रत्ययों के साथ देखो इतनी बदलती हैं, आपको क्या सुनावे, आध घंटे में मन में इतने प्रकार के भाव आते हैं, हंसने के रोने के। अब ये संसारी लोग चाहते हैं कि हमेशा हंसने के ही आवे रोने के ना आवे, तो ये असंभव चाहते हैं पट्टे है ना, तो ये काम कभी होता ही नहीं, होता ही नहीं। किस वो कहते हैं कि दुनिया में सब विषय जितने हमारे सामने आवे, माँ आवे तो हंसावे, लुगाई आवे तो हंसावे, बेटा आवे तो हंसावे, दुश्मन आवे तो हंसावे, जो आवे सो हमको सुखाई दे, तो ये कभी होना शक्य है कब होना शक्य नहीं है, इसलिए असंभव लालसा करने के कारण वो दुखी होते हैं। अब ये नारायण उपासक लोग कहते हैं कि हर बार भगवान ही आवे, वही हंसावे, वही खिलावे, वही है ना। अब हर बार भगवान कैसे आवेंगे, भगवान क्या तुम्हारे लिए हैं, अरे उनको बहुत है भाई है ना, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल फुर्सत निकाल के थोड़े बैठे हैं है ना, उनको बहुतों के घर जाना पड़ता है। अच्छा जोगी लोग कहते हैं कि हम उठने ही नहीं देंगे, न हंसी आने देंगे, न हसंति तपस्वी, नहा जोगी लोग कहीं ऐसा करते हैं, बोले ना हम हंसेंगे, ना हम रोएंगे, ना हम सोचेंगे, ना देखेंगे, ना जानेंगे, बोले हो जा पत्थर बेटा है ना। अब ऐसा कोई होगा तो पत्थर होगा, ये भी असंभव है, बोला असंभव क्रिया है। तब कई आत्मदेव जो हैं, देखो हमको है सैकड़ों बार हो या सैकड़ों नहीं तो दसियों बार हमको घर गृहस्थी में रहते समय ऐसा मालूम पड़ा कि अब तो है ना इनसे प्रेम हो गया है ना नारायण, अरे वो प्रीतम मर गए और वो प्रेम मर गया है ना, थोड़े दिनों के बाद मालूम हुआ अब दूसरे से हो गया, फिर मालूम पड़ा ये तीसरे से हो गया, अरे प्रेम है कि ये कोई बला है नारायण है। ये दुनिया में कोई ऐसा भाव उदय नहीं होता जो हृदय में हमेशा रहे, आत्मदेव अपना आपा जो है ना वो हमेशा। अब जब गुस्सा आता है तब मालूम होता है अच्छा जिंदगी भर बच्चों से दुश्मनी रखेंगे और घंटे भर में ढीला पड़ जाता है, औरतें रूठती हैं वो तो कहती हैं अब जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे है ना, लेकिन घंटे भर में बिल्कुल ठीक ठाक है ना। हाँ ये मर्द जब आपस में लड़ाई करते हैं ना तो कहते हैं अब भाई बस आज आखिरी बार तुमसे बात कर रहे हैं, अब बोलेंगे नहीं तुमसे, और थोड़ी देर के बाद कहते हैं भाई उस समय गुस्सा आ गया था, चलो उस बात का ख्याल मत करो है ना। तो ये दुनियादारी की सभी चीजें जो हैं वो तो बदलती जा रही हैं है ना, ये शीशे ही है तुम्हारे सामने, कभी काला शीशा आ गया, कभी लाल शीशा आ गया, कभी सफेद शीशा आ गया, उसमें तुमने अपने को काला देखा, लाल देखा, हरा हरा देखा, लेकिन न तुम हरा हुए, न काल हुए, काला हुए, न लाल हुए, न पीले हुए, तुम तो तुम ही हो है ना।
तुम तो तुम ही हो, ये तो तुम्हारे सामने जैसा शीशा आया वैसा तुमने देख लिया। ये बहुधा जायमाना, दिन भर में हजार जन्म तुम्हारा होता है और हजार बार वो तुम्हारा मैं मर जाता है। एक तुम हो नारायण, तो उस एक का ध्यान करो। कैसा का? ओम इत्येव ध्याय, ओम इत्येवम ध्यायथ आत्मानम् स्वस्ति पारायो तमसः परस्तात्। ओम का बड़ा बढ़िया अर्थ है ना, ये तुम बदलने की कोशिश मत करो। हमारा दुश्मन दोस्त हो जाए और दोस्त दुश्मन हो जाए, बदलने की कोशिश मत करो ना। ओम, उसने कहा हम तुम्हारे दुश्मन है, बोले ठीक है भाई, है ना। और फिर आके बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है भाई, है ना। जैसे गुरु लोग है ना, कचेला एक दिन बड़े श्रद्धा से आया, महाराज आप ईश्वर, तो बोले बहुत बढ़िया भाई। दूसरे दिन बोला कि महाराज हमारी श्रद्धा तो ढीली पड़ गई, अब हम आपके पास नहीं आवेंगे, बोले मत आओ भाई, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, ऐसे गुरु की तरह जीवन बिताना, चेले की तरह क्या जीवन बिताना, है ना। अपना जीवन जो है ना, ओ मित्तेवम ध्यायत, जो आया हाँ कर दिया, हाँ, ऐसे अपने आत्मा का ध्यान करो। संपूर्ण वृत्तियों में, संपूर्ण प्रत्ययों में, संपूर्ण विषयों में, जन्म और मरण में, है ना, जन्म और मरण में, हर्ष और विषाद में, सुख और दुख में, पाप और पुण्य में, स्वर्ग और नरक में, कहा भाई ऐसे ही, है ना। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि आप कौन हो महाराज, बोले तुमको मैं कैसा मालूम पड़ता हूँ, बोले महाराज आप तो हमको हमारे चाचा लगते हैं, बोले ऐसे ही है भाई। दूसरे दिन आया कि ना महाराज चाचा नहीं, आप तो हमारे पिता लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। अरे चाचा भी हो पिता भी हो, बोले मैं तो एक ही हूँ, तुझको जैसा लगता हूँ वैसा हूँ, है ना। तुझको तू अपना माने तो तेरा अपना, तू दुश्मन माने तो तेरा दुश्मन, है ना। हम तो ये कही हैं, ओम इति ध्यायतो आत्मानम्, बस ऐसा अपने आत्मा का ध्यान करो। एक रस अद्वितीय, तमसः परस्तात्, अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए पार आयो, पार आयो माने परकूल आयो, नदी के उस पार, समुद्र के उस पार जाने के लिए, अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए यही एक विद्या है, यही एक विद्या है। अस्वीकार करोगे तो संघर्ष है ना, अस्वीकार करोगे तो संघर्ष है। ओम ओम ओम, अकार उकार मकार अमात्र के द्वारा, है ना, ओंकार के ध्यान के द्वारा, ओंकार की उपासना के द्वारा, ओंकार के उच्चारण के द्वारा, ओंकार के अग्रभाग के अभ्यास के द्वारा का अपने आप को इस अज्ञान अंधकार से पार ले चलो। यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येषो व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठितः। ये हृदयाकाश है, हृदय में थोड़ी सी पोल है, थोड़ी सी जगह है, जैसे घड़े के भीतर पोल होती है ना, वैसे इस शरीर के भीतर हृदय में एक पोल है, बोला वहां एक ऐसी चीज रहती है जो सबको जानती है, सर्वज्ञ है, सर्वविद है, उसी की महिमा ये सृष्टि में फैली हुई है। इस हृदय का नाम ब्रह्मपुरी है, ये दिव्य है, और इसी में ये आत्मदेव, ये महाराजा जो हैं अपने सिंहासन पर विराजमान रहते हैं।